हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग लेक्चर एट, क्रिएटिव ड्राइंग बुक निकालिए। क्रिएटिव ड्राइंग बुक निकालिए, ये वाली बुक। ओपन ओपन ये बुक। पेज नंबर फाइव पर आइए। पेज नंबर 5, कैलीग्राफी वर्क स्केच। यहाँ पे कुछ लाइनिंग के मरोड़ वाली मतलब लाइनिंग थे। कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व्ड है, कोई बिल्कुल सर्कल है, वेविंग लाइन से वगैरह वगैरह। तो एक कैलीग्राफी, अलग अलग वर्क कैलीग्राफी वर्क किया है यहाँ पे, तो इसकी स्केच बनानी है। ठीक है, देखिए 4 बॉक्स में उन्होंने 8 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर नीचे 4 8, मैं समझा ये मैंने किया। ओके, कोई बात नहीं। 8 बॉक्स में इन्होंने ये बताया है। देखिए ध्यान से देखिए, स्टडी द डिफरेंट स्केचेस ऑफ कैलीग्राफी लाइन्स ड्रॉन हियर। कौन से देखिए कैलीग्राफी लाइन्स कैसे कैसे मतलब किया है ये इस स्क्वायर बॉक्स में, अंदर आड़े और खड़े में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 5 छोटे छोटे बॉक्स, यानी कि 25 बॉक्सेस होंगे। ओके, तो एक में 1 2 3 4 5 अंदर 5 लाइन से खड़ी, और उसके बाद वाले बॉक्स में 5 आड़ी लाइन है एक दूसरे बॉक्स में, फिर तीसरे बॉक्स में 5 खड़ी लाइनिंग से, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। इस तरह से कंप्लीट करना था, सीखना है हमें। फिर दूसरे में कैसा है ये सर्कल, ये हाथ से बनाना है, कंपास की मदद मत लीजिए, मत लेना। 1 2 3, फिर यहाँ बीच बीच में से यहाँ पे 1 2 3, फिर आप इस तरह से कंप्लीट करना है। अब ये ज़िगज़ैग लाइंस सही सही दूरी पे, और ये एंगल्स बराबर समांतर आना चाहिए। ओके, ये इसे कहते हैं ज़िगज़ैग लाइन। ये दूरी का गुच्छा कैसा होता है, वैसे लाइन। और ये सर्कल के 1/4 पोर्शन है ना इस बॉक्स में, ये भी हाथ से बनाने की कोशिश करना जहाँ तक हो सके। ये कुछ वेविंग लाइन सा घुमा होता है बराबर, और ये कुछ अलग टाइप का है, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक के अंदर कुछ लाइन कर दी और फिर इधर उधर सजा दिया इस तरह से, ये वेविंग लाइन सी है। चलो हम नीचे देखे पढ़े। स्टडी द डिफरेंट स्केचेस ऑफ कैलीग्राफी लाइन्स ड्रॉन हियर। स्टडी द डिफरेंट स्केचेस ऑफ कैलीग्राफी लाइन्स, आपको स्टडी करने को बोलते हैं, ध्यान से देखने को बोलते हैं, कैसे कहाँ पर क्या है। हाँ, ये कैलीग्राफी लाइन्स, द प्रैक्टिस ऑफ दिस स्केचेस विल प्रूव यूजफुल व्हाइल डूइंग द कैलीग्राफी वर्क इन क्रिएटिव पिक्चर्स एंड लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और क्रिएटिव पिक्चर्स बनाने में आपको ये कैलीग्राफी वर्क काफ़ी मदद करेगी। ये बच्चे हम फाइन आर्ट्स में भी अगर जाते हैं ना, हम बड़े बच्चे, कुछ बच्चे इस तरह से 10th के बाद 12th के बाद जो कॉलेज होने के बाद फाइन आर्ट्स लेते हैं, तो पहले सबसे पहले भले आपका ड्राइंग अच्छा है, पहले ये सभी देंगे कि आपका हाथ कितना अच्छा चलता है, ये सभी। तो हमें बचपन से ये सिखाना चाहते हैं, इसलिए बुक में दिया है। पर ये आपको करना है, एक मिनट आप बताओ। ये पहले यहाँ पे ये ज़िगज़ैग लाइन इस तरह से है आता है, आपको पता है। ओके,
अब जो कुछ भी हाथ से करना है, मिडिल में वन, सेकेंड, थर्ड, फिर यहाँ भी इस साइड में भी दो, बराबर वैसे ही यहाँ पर मिडिल में एक, फिर साइड में ये दो और यहाँ दो, फिर से यहाँ भी है ना, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पे इसके नीचे ये वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ी लाइनिंग थी तो ये इसको आड़ा करना, आड़ी लाइन आएगी यहाँ पर, फिर यहाँ ये आड़ी लाइन थी ऊपर इसके ऊपर, तो यहाँ पे फाइव खड़ी लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाला है, तो इस तरह से आपको करने का है। फिर ये बता दूँ मैं, एक कौन सा बताऊँ, ये और ये बताने जैसा है खास कर, आपको जिगजैग लाइन तो बताएं, ये और ये, तो उसके लिए यू तीन इस तरह से कंप्लीट कर लेना, बराबर ऐसा है। अब ये तो उसके लिए तरह आड़ा टेढ़ा रख देना, ओके। तो ये वर्क, इनमें से कोई भी चार, या चाहे तो आप कम से कम एटलीस्ट फोर तो चाहिए, कोई भी फोर और आठ है, आठ बना सकते हो तो आठ, येलो स्केच बुक में आपको येलो स्केच बुक में बनाना है, कम से कम चार, चार से लेके आठ, अगर सभी का बना सकते तो अच्छी बात है, आठ आठ बनाना, मतलब कम से कम चार तो चाहिए। येलो स्केच बुक में ये बनाना है, पेज नंबर फाइव येलो स्केच बुक में ना, 19 येलो स्केच बुक में, ड्राइंग बुक में मतलब, ओके। ये आपको होमवर्क पेज नंबर फाइव, और दूसरा है इसी में वर्क करना है, खाली कलर करना है, मैं बता दूँ, पेज नंबर फाइव और ये द व्हील ऑफ कलर्स, पेज नंबर एट, पेज नंबर एट पर द व्हील ऑफ कलर्स, यहाँ पे कलर व्हील है, ग्रेड्स ऑफ कलर्स, प्राइमरी कलर्स किसे कहते हैं, हमें पता है प्राइमरी ग्रेड कलर्स, प्राइमरी कलर्स आर रेड येलो ब्लू, रेड येलो और ब्लू कलर, इन तीन कलर को प्राइमरी कलर या बेसिक कलर्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये कलर किसी कलर्स के कलर या कलर्स के मिक्सिंग से नहीं बनते, ये बिल्कुल प्योर रहता है, लस्टरस रहता है, इसलिए इसे प्राइमरी कलर्स कहते हैं। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर्स मतलब कोई भी दो प्राइमरी कलर के मिक्सिंग से जो कलर बनता है हमें मिलता है, जो कलर तो प्राइमरी कलर के मिक्सिंग से जो कलर हमें मिलता है उसे सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। जैसे कि येलो प्लस रेड तो ऑरेंज मिलेगा, येलो प्लस ब्लू तो ग्रीन मिलेगा, ब्लू प्लस रेड तो पर्पल कलर मिलेगा,
इसलिए इसे जो प्राइमरी कलर के मिक्सिंग से बनता है, इसलिए इसे इन तीन कलर को ऑरेंज ग्रीन पर्पल कलर को सेकेंडरी कलर्स कहते हैं, टर्शियरी कलर्स, टर्शियरी ग्रेड कलर्स, ब्राउन, चिली ग्रीन, स्लेट कलर। अभी टर्शियरी कलर्स क्या हैं? ये कोई भी दो सेकेंडरी कलर के मिक्सिंग से बनने वाला जो कलर हमें मिलता है तो उसे टर्शियरी कलर्स कहते हैं। कोई भी दो सेकेंडरी कलर के मिक्सिंग से बना हुआ कलर यानी कि वो टर्शियरी कलर्स, जैसे कि ब्राउन, फिर चिली ग्रीन, फिर स्लेट कलर। ओके, तो यहाँ पे देखिए द व्हील ऑफ कलर्स, यहाँ पे बेसिक कलर यानी कि प्राइमरी कलर है, यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स तीन, और बाहर की तरफ टर्शियरी कलर्स। द व्हील ऑफ कलर्स इज मेड ऑन द लेफ्ट साइड, द कलर्स ऑफ प्राइमरी ग्रेड, सेकेंडरी ग्रेड एंड टर्शियरी ग्रेड आर शोन इन इट। लेफ्ट साइड पर आपको कलर व्हील बताया, इसके अंदर इनर मोस्ट कलर, इनर मोस्ट सर्कल में बेसिक कलर का यानी कि प्राइमरी कलर्स, उसके बाद बीचों बीच वो सेकेंडरी कलर्स, और बिल्कुल आउट बार के सर्कल में टर्शियरी कलर्स है ना। नाउ फिल द कलर्स ऑफ प्राइमरी ग्रेड, सेकेंडरी ग्रेड एंड टर्शियरी ग्रेड इन द स्केच ऑफ द व्हील ऑफ कलर्स गिवन ऑन द राइट साइड। यूज पेंसिल कलर्स, पेस्टल कलर्स और वाटर कलर्स फॉर पेंटिंग। यहाँ पे आप कुछ आपका ये प्रिंटेड है, उसके अंदर आप चाहे जो जो भी कलर कर सकते हो, या तो आप वाटर कलर, पोस्टर कलर कर सकते हो, या फिर पेंसिल कलर या ऑयल पेस्टल कलर, आपका मन चाहा कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिक्स टैलेंट बाकी के वर्क में हमें पोस्टर कलर करना है। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो ऑयल पेस्टल कलर कर सकते हो, जैसा जहाँ पे जैसा कलर है वहाँ पे वो कलर डाल, जैसे कि यहाँ पे येलो, ब्लू, रेड, यहाँ ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ये स्लेट कलर आएगा, चिली ग्रीन यहाँ पे, और यहाँ ब्राउन। तो ये वर्क आपको पेज नंबर 8 पे क्रिएटिव बुक में ही करना है। पेज नंबर 8 वाला वर्क ये इसी पेज में, पेज नंबर 8 पे करना है, ऑयल पेस्टल कलर से कलर फिल करना है। और पेज नंबर 5 को देख कर येलो स्केच बुक में बनाना है, ये पेज नंबर 5 का येलो स्केच बुक में बनाना है। ओके, चार से लेकर 8 बॉक्स बनाना, उसके अंदर आपको फिर ये कैलीग्राफ स्केच पेंसिल से करना है। उसके बाद अगर परफेक्ट लगे, बहुत अच्छा है, आपका दिल चाहता है कि बिल्कुल ही परफेक्ट है, नीट एंड क्लीन वर्क है, तो फिर वो ब्लैक बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन स्केच पेन यूज़ मत करना है, छोटे वो थोड़ा ज़्यादा थिक होता है उसका पॉइंट, बराबर, तो ब्लैक या ब्लू रेड बॉल पेन यूज़ कर सकते हो बन जाने के बाद। ओके, पेज नंबर 5, पेज नंबर 8 आपका होमवर्क। ओके बाय चिल्ड्रन, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 8, पेज नंबर 5 येलो स्केच बुक में ये, और पेज नंबर 8 पे सिर्फ कलर ही करना है इसी बुक में, पिक भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके बाय चिल्ड्रन।